बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सद्गुरु महाराज की। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन, द्वार नंद के रोशन। जहाँ जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर सा जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन भी, कल की चर्चा में हमने सुना कि खोज के क्रम में परब्रह्म की खोज के क्रम में श्री देवचंद्र जी विभिन्न साधुओं के वहां होते हुए, विभिन्न संप्रदायों को देखते हुए भोजनगर पहुंचे हरिदास जी के वहां। हरिदास जी से, उनकी सेवा से प्रभावित होकर के स्वयं हरिदास जी की सेवा करने लग गए। देवचंद्र जी की सेवा से प्रभावित होकर के हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को राधा वल्लभी मार्ग का नाम सुमिरन दिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो उसका अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए काफी समय तक उन्होंने सेवा की, गुप्त रूप से परिक्रमा इत्यादि भी की। और अब जब हरिदास जी को पता चला कि देवचंद्र जी तो प्रतिदिन मेरे घर की परिक्रमा करते हैं चुपके से, तो उन्होंने बालमुकुंद जी की सेवा देनी चाही, जिस प्रसंग में बालमुकुंद जी ने दर्शन दे करके श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराई और बांके बिहारी जी के बागे वस्त्र की सेवा देने के लिए कहा। अब श्री देवचंद्र जी बांके बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं अपने घर में, कैसे सेवा कर रहे थे वो हम कल सुन चुके हैं। अब सेवा के क्रम में श्री देवचंद्र जी भोग लगाते हैं और फिर चितवनी करते हैं, भोग सामने रख करके ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान में उनको ऐसा अनुभव होता है कि जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं अथवा मेरी सुरता अखंड ब्रज में पहुंची है और वहाँ नंद बाबा के घर के द्वार के सामने मैं हूँ। और अब घर में यशोदा माता बैठी हुई हैं एक खटिया के ऊपर, माची के ऊपर, और उन्होंने देखा कि वो दूध गर्म कर रही हैं और दूध गर्म करने के साथ साथ में और भी छोटे मोटे काम साथ में कर रही हैं। तो जब श्री देवचंद्र जी पहुँचे, स्वयं को राधा के रूप में मान रहे हैं, तो जब वो पहुँचे तो देखा, यशोदा माता ने देख करके कहा कि आओ राधा रानी। अब चूंकि श्री लालदास जी जब बीतक लिख रहे हैं तो देवचंद्र जी के भाव से ही उन्होंने वर्णन किया है, अन्यथा ये संभव नहीं है कि देवचंद्र जी के रूप में वो सुरता अखंड में पहुंचे। क्योंकि वाणी क्या कहती है, पुरुख पणे ए दृष्टे न आवे, काई अबला पणे लीजे अंग। अंगना भाव लेकर के ध्यान करना पड़ता है, तो उसी भाव में श्री देवचंद्र जी ध्यान करते थे। और चूंकि पहले भी बीतक में भी हम सुन चुके हैं कि हरिदास जी ने जब मंत्र दिया था तो देवचंद्र जी को सिखाया था कि सखी भाव होए भजियो, तो उसी भाव से वो ध्यान भी करते थे, उसी भाव में उनको दर्शन हुआ। हाँ, जाहिर रूप में चूंकि ध्यान देवचंद्र जी कर रहे हैं तो जन सामान्य की समझ में आए कि देवचंद्र जी की सुरता पहुंची है, इसलिए उन्होंने श्री देवचंद्र जी का नाम लिख करके वर्णन किया है।
अब यशोदा माता ने कहा कि आओ राधा जी। तो अब देवचंद्र जी ने, मैं देवचंद्र जी ही कहूँगा, आप राधा जी समझना, तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण जी कहाँ पर है। उन्होंने कहा कृष्ण जी तो वन में हैं, अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन अथवा मेरी सुरता उन्हीं में टिकी हुई है, उन्हीं में लगी हुई है। तो वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो माता जी ने कहा अच्छा रुक जाओ, और कोई मिठाई घर में बनी हुई थी, दूसरी बीतकों में इसको घुघनू कह करके वर्णन किया है, कुछ लोग अपभ्रंश रूप में घुघरी कह देते हैं, घुघरी मिठाई नहीं होती, वो तो एक पाँव में नाचते समय पहनने वाला एक आभूषण होता है, ठीक है। तो घुघनू की मिठाई बनी हुई थी जो कि गेहूं से बनती है, कुछ लोग जैसे यहाँ उत्तर भारत में दलिया बनता है ना, कुछ उसी तरह से कुछ लोग पानी में पकाते हैं और उसमें मीठा वगैरह डालते हैं, कुछ लोग दूध में पकाते हैं, तो दलिया ही समझ लीजिए। तो वो मिठाई बनी हुई थी, उन्होंने दे दी और कहा कि जा कर के दोनों मिल बांट करके ले लेना। अब श्री देवचंद्र जी पहुँचे वन में, तो श्री कृष्ण जी वहाँ खेल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि कृष्ण जी कहाँ पर हैं। तो उन्होंने जितने भी बाल गोपाल थे, बच्चे थे, उनसे पूछ लिया कि कृष्ण जी कहाँ पर है। तो कहते हैं कि कौन से कृष्ण से आपको मिलना है। कहा कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के। कि यहाँ तो हर टोले में, टोला मतलब छोटा सा ग्रुप होता है ना, समूह, तो उस प्रत्येक समूह में कृष्ण नाम का कोई ना कोई बच्चा आपको मिल जाएगा, आपको कौन से कृष्ण से मिलना है। तो कहने लगे कि मुझे तो नंद के बेटे कृष्ण जी से मिलना है। अब कहने लगे कि यहाँ पर नंद भी बहुत हैं, पहले नंद एक उपाधि थी, नाम नहीं था। और उपाधि कैसी कि कुछ विशेष गायें, वैसे कहने को पुराणों में तो पता नहीं कितनी 9 लाख गायें ऐसा लिखा गया है, लेकिन 9 लाख गायें किसी एक व्यक्ति के यहाँ हो वो भी एक छोटे से गांव में संभव नहीं है, क्योंकि शायद सरसावा एक नगर पालिका घोषित है, वहाँ पर भी 9 लाख लोग नहीं होंगे। तो और 9 लाख गायें होना किसी एक व्यक्ति के घर में संभव नहीं है। हाँ कुछ विशेष संख्या होंगी, कुछ दर्जन हो सकते हैं या 200-400 हो सकते हैं। तो कुछ निश्चित गायें जिनके घर में होती थी उनको नंद की संज्ञा दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। तो कहने लगे कि नंद भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसी गायें होंगी। तो कहने लगे कि नंद के बेटे कृष्ण भी यहाँ पर बहुत हैं, अब बताइए कि आपको किससे मिलना है। तो कहने लगे कि मुझे यशोदा के बेटे से मिलना है। तो अब वैसे तो कृष्ण जी को पहले से ही पता है कि मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मज़े ले रहे। तो कृष्ण जी ने कहा आओ राधा रानी आ जाओ। तो बुलाए, फिर बात करने लगे, बहुत मधुर तरीके से बात होने लगी आपस में। और बातचीत के क्रम में अब माता ने जो मिठाई दी थी वह मिठाई उन्होंने दे दी। तो अब देवचंद्र जी ने उसको क्या किया कि अब जंगल में बर्तन लेके कोई थोड़ी जाता है, तो जिस रुमाल में लपेट के दिया था वो खोला, और फिर कृष्ण जी ने कहा कि ये किसी बच्चे को बुला करके कहा कि ये सब में बांट दो, और हमारे हिस्से का होगा वो हमें दे देना, हम दो लोगों के हिस्से का, बाकी आप सब आपस में बांट लेना। अब सब लोगों ने बंटवारा किया, देवचंद्र जी का जो हिस्सा था वो उन्होंने लिया, और जैसे उसको खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो इधर भी क्या हुआ कि यहाँ भी उनका हाथ हिल गया। होता क्या है, जैसे हम कभी तंद्रा अवस्था में होते हैं तो सपने में, बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि सपने में हम किसी चीज़ को लात मार रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा पैर हिल जाता है, हमारा हाथ हिल जाता है, फिर हम चौंक जाते हैं कि अरे हम तो कुछ और ही देख रहे थे, वास्तविकता ये नहीं है। अब देवचंद्र जी की सुरता वहाँ पर पहुँची है ध्यान की अवस्था में, लेकिन अब साथ में इधर का शरीर जैसे ही थोड़ा सा हिला, हाथ जैसे ही हिला, अब वो ध्यान की अवस्था में बैठते तो सामान्य रूप में दो प्रकार से ध्यान की अवस्था में बैठी जाते, एक ध्यान मुद्रा जैसे ये
दो उंगलियां हैं, अंगूठा और उंगली आपस में मिले हुए हैं, और घुटने पर ये जो कलाई का भाग है ये रखा हुआ है, इस तरह से ध्यान होता है। अब हाथ जैसे ही हिलेगा तो घुटने से नीचे चला जाएगा, तो देवचंद्र जी इस तरह से चौंक गए। ठीक है, अब जैसे ही चौंके ध्यान भंग हो गया उनका। अब कह रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी आप आरोगे, फिर ध्यान से चौंके सोए। ध्यान से वो चौंक गए और तब कह रहे हैं, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में। अब जिस स्वरूप का दर्शन उन्हें मिला तो ये निश्चित कर लिया कि हमारा जो खावन है ये यही है। चित्त बांधा इन स्वरूप से, अब इससे पहले तक क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, तो सबसे पहले जिसने दर्शन दिया था कच्छ जाते हुए रास्ते में, उस स्वरूप का भोग लगाते, उस स्वरूप को याद करके भोग लगाते थे। उसके बाद जब मंत्र लिया तो कल्पना के आधार पर वो सेवा करते थे, लेकिन अब उनको फिर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो उनको लगा कि यही मेरे खावन है, और उनसे उनका चित्त बंध गया। और अब आगे जब भी ऐसा होता है, जब भी भोग लगाते हैं तो उसी स्वरूप को याद करके भोग लगाते हैं, क्योंकि एक बार दर्शन हुआ तो लगातार उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा, वो तो एक ही बार अनुभव हुआ था, वो सिर्फ देवचंद्र जी को और आगे बढ़ाने के लिए, सत्य स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। अब इस प्रसंग से सभी सुंदर साथ को एक शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा क्या है कि कई बार जब सुंदर साथ को कहा जाता है कि सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में भी हमने सुना था कि राज्य को पाने के तरीके बहुत सारे नहीं हैं, उनको पाने के लिए प्रेममय चितवनी की आवश्यकता है, वाणी मंथन की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, और चितवनी उसका एक अभिन्न अंग है। प्रेममय चितवनी, सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, साथ में हृदय में प्रेम लेकर के। तो सुंदर साथ कहते हैं कि हमें तो अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, हम तो चलते फिरते भी ध्यान कर लेते हैं, हम तो खाना बनाते हुए भी ध्यान कर लेते हैं, हम तो साइकिल चला रहे तो चलाते चलाते भी हम राज्य का ध्यान कर रहे होते हैं, हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी ध्यान कर रहे होते हैं। ये समाज में एक तरह की विकृति है, लेकिन विकृति कैसे, बात पूरी तरह से समझना। हम माया के सारे काम करते हुए भी राज्य को याद करते रहें, ये विकृति नहीं है, ये भावलीनता है। लेकिन चितवनी को एक तरफ नकार देना और ये कहना कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही राज्य को याद करते हैं, वो याद करना नहीं होता है। सिर्फ नाम लेने से याद नहीं होता है, वास्तव में याद कैसे होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, नारद जी को लगा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो उनको घमंड आने लगा। तो अब भगवान समझ रहे विष्णु जी कि इनको घमंड आया हुआ है, घमंड दूर करना जरूरी है। अब उन्होंने पूछ भी लिया एक दिन सामने से कि भगवान कोई मुझसे भी ज़्यादा आपको याद करता है क्या, मेरे से बड़ा कोई भक्त है आपका? कहने लगे कि हाँ एक है, पृथ्वी लोक में जाएंगे तो एक भक्त है जो आपसे भी बड़ा है। कहने लगे, नारद कहने लगे कि ये तो आश्चर्य की बात होगा कि मैं हर पल नारायण नारायण करता रहता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त वही कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमको डेमो करके दिखाते। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो लेकर के आ गए, पृथ्वी में एक किसान था। वो किसान, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, तो अपनी गौशाला में बैलों को बांध रहा था, खेती से जोत करके आया हुआ था, खेत की जुताई करके। तो उस समय उसने एक बार नाम ले लिया भगवान का, फिर घर पे आए तो देखा कि दो लोग आंगन पर खड़े हैं। अब दोनों एक सामान्य यात्री के वेशभूषा में हैं, तो उसने कहा अतिथि समझ करके कि अरे शाम के समय में मेरे घर पर अतिथि आए हैं, अतिथि तो देवता का रूप होते हैं, कह के उसने स्वागत किया।
सेवा किया उस घर में, क्योंकि वही दैनिक मजदूरी पर कमाने वाले लोग, खेती भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो घर में थोड़ा सा ही अनाज पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि रोटी बनाई और रोटी बना करके दोनों मेहमानों को खिलाया। अब विष्णु जी तो परीक्षा ले रहे हैं कि कितना बड़ा भक्त है। वो दोनों मिलके सारी रोटी खा गए, अब बचा कुछ नहीं। थोड़ा सा चावल पड़ा हुआ था, उसकी पतली सी खिचड़ी बना करके उन्होंने अपने बच्चों को खिला दिया। दोनों भूखे सो गए पति पत्नी। सोते समय एक बार नाम लिया, याद किया, फिर सुबह उठते ही उसने एक बार भगवान का नाम लिया। उसके बाद में हल और जानवरों को लेकर के, बैलों को लेकर के खेत की तरफ जाने लगा और कहने लगा कि अतिथि देव, अब मेरा तो ऐसा ही है, काम करना पड़ता है, गुजारा चलाना पड़ता है, तो अब मैं अभी खेत में जा रहा हूँ, आपकी जब तक इच्छा हो तब तक आप रुकिए, मैं थोड़ा खेत में काम करके आता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो खेत में काम करने के लिए चला गया। तो अब देखना है कि बीच में कितनी बार नाम लेता है। वापस खेत में गए, खेत में जा कर के उन्होंने देखा काफ़ी देर तक, तो बीच बीच में क्या होता था, जब भी वो थक जाता था तो खड़े होकर के एक बार नाम ले लेता था और फिर अपना काम करता था। तो उसके बाद में वो दोनों वहाँ से विदा लेकर के आगे चले गए। तो कहते हैं कि भगवान, आप तो कहते थे कि आप मतलब मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है, इसने तो कल शाम से लेकर के अब तक 4-5 बार ही आपका नाम लिया और मैं प्रतिक्षण नारायण नारायण करता रहता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त वो कैसे हुआ? क्योंकि नारद जी क्या सोच रहे थे, केवल नाम लेना भक्ति है। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा आगे चलने पर बताता हूँ, समय आने पर बताता हूँ। चलते गए तो थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी शुरू हो गया, ऊंची चढ़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने एक घड़ा दिया, घड़े में पानी भरा हुआ था, ऊपर तक लबालब पानी भरा हुआ था। लबालब भरने का मतलब कि उसमें अब एक बूंद भी ऊपर नहीं डाल सकते थे, थोड़ा भी हिला तो पानी गिरने की संभावना थी। तो विष्णु जी ने कहा कि ये घड़ा लेकर के आपको एक बार उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ के फिर वापस आना है, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे बड़े भक्त हैं। तो नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है। नारद जी ने घड़ा लिया और चले गए, चोटी पर पहुंचे। कुछ समय के बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में कहने लगे देखिए भगवान, देखो मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, मैंने एक बूंद भी पानी गिरने नहीं दिया, घड़े में पानी पूरा का पूरा है। अब विष्णु जी ने पूछा कि अच्छा अब बताओ कि इस बीच में घड़ा लेकर के ऊपर पहुँच करके वापस नीचे आए, इतनी देर में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया, मुझे कितनी बार याद किया? कहने लगे भगवान, मेरा तो पूरा ध्यान इसमें था कि पानी ना गिरे, मेरा ध्यान तो बैलेंस बनाने में था, इसलिए मैं आपका नाम तो नहीं ले पाया। कहने लगे कि यही है, वो भी तो अपने जीवन में बैलेंस बनाया हुआ है, वो किसान अपने जीवन में बैलेंस बना करके बीच बीच में मेरा नाम ले रहा था और फिर भी उसने दावा नहीं किया कभी कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। आप तो दावा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसका मतलब क्या है कि केवल मुख से नाम ले लेना पर्याप्त नहीं है, केवल राज्जी राज्जी कहना पर्याप्त नहीं है। हाँ, माया के दूसरी चीज़ों को याद करने की अपेक्षा राज्जी का नाम लेना बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, ध्यान करना। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, वो ध्यान कैसे कर सकता है, एक्सीडेंट नहीं होगा? इस भरोसे पर तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग को नहीं छोड़ सकता कि मैं राज्य का नाम लूँगा, राज्य आकर के मेरी गाड़ी की स्टेयरिंग सीधी करेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राज्य ने आपको बुद्धि दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से कोई साइकिल चलाते हुए ध्यान नहीं कर सकता, हाँ याद कर सकता है, बीच में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से सीधा रास्ता है थोड़ी दूर तक, 100 मीटर तक, आगे कोई मोड़ नहीं है, तो एक बार आंख बंद करके राज्य को दिल से याद कर सकता है 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, लेकिन ध्यान नहीं कर सकता। सोचिए श्री देवचंद्र जी 11 वर्ष की उम्र से सिर्फ भक्ति में उनका मन है, उन्होंने योगियों से ध्यान साधना की प्रक्रिया भी सीख रखी है कि नहीं, उन्होंने इतने समय से वो सेवा करते आ रहे हैं, ध्यान करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जब थोड़ा सा हाथ हिलता है तो देवचंद्र जी का ध्यान भंग हो जाता है, और हम कहें कि साइकिल चलाते चलाते हमारा ध्यान लगता है, हम देवचंद्र जी से ज़्यादा ध्यानी हो गए?
इसका मतलब क्या है कि ध्यान करने के लिए एक स्थिर स्थान की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन साथ में एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम चितवनी में बैठें तो सिर्फ आसन लगाना पर्याप्त नहीं है। आसन की सिद्धि कर पाने वाले लोग बहुत हैं। आसन सिद्धि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज आप 15 मिनट पद्मासन लगा करके बैठ पाते होंगे तो नियम पूर्वक आप दिन का एक मिनट भी बढ़ाएंगे तो डेढ़ महीने के बाद में आप एक घंटा आराम से पद्मासन में बैठ सकते हैं। 3 महीने के बाद आप 2 घंटे की आप आसन सिद्धि कर सकते हैं, है ना। तो आसन सिद्धि करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक बैठ जाते हैं, 12-15 घंटे तक बैठ जाते हैं। लेकिन निजानंद दर्शन में सबसे अच्छी बात ये है कि वाणी और बीतक ने हमें प्रेममयी चितवनी की राह बताई है कि जब याद करना है राज जी को ध्यान के माध्यम से तो प्रेम पूर्वक याद करें, एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठें, अपना दिल राज जी को दें और बस बैठे रहें आंख बंद करके कि मुझे बस राज जी का दीदार चाहिए। राज जी से हम राज जी को मांगे और कुछ ना मांगे तो कुछ समय के बाद में हमारे अंदर के जो विकार हैं वो समाप्त होते जाएंगे, नए कोई बुरे संस्कार नहीं बनेंगे, पुराने संस्कार सारे धुल जाएंगे। तो राज जी हमसे वैसे भी कभी कोई दूर नहीं है, बस जो एक पर्दा है उस पर्दे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहे, वो पर्दा तब मिट जाएगा, हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी ये भ्रम न पालें कि हम चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं। चलते फिरते हम शब्दों के माध्यम से याद कर सकते हैं, भाव से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया कुछ अलग है जो जिसके विषय में हमें इस प्रसंग से सिखापन मिलता है कि एक बार सामान्य रूप में हाथ हिलने पर भी ध्यान भंग हो सकता है या हो जाता है। अब आगे कुछ दिन तक ऐसे ही बीता तो अब हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को निर्देश दिया कि आप नौतनपुरी चले जाइए। नौतनपुरी जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुछ लोग जामनगर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नयानगर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग हलार देश कहते हैं, 4 नाम है उस जगह के। तो हरिदास जी ने कहा कि मेरे भी गुरु जी हैं वहाँ पर, कानजी भट्ट नाम है उनका, और वो भागवत की कथा किया करते हैं, तो आप उनके पास जाइए, भागवत सुनिए और जो आपकी प्रक्रिया है, जो आपकी दिनचर्या है उसको साथ में करते रहिए तो आप और भी आगे जाएंगे। अब निर्देश दिया हरिदास जी ने तो वहाँ से अब परिवार के साथ में सब परिवार नौतनपुरी पहुँचे, माता पिता भी आए। अब वहाँ चूँकि हरिदास जी भी तो राधा वल्लभ मार्ग के थे, वल्लभाचार्य मार्ग के, तो अब नौतनपुरी में भी वल्लभ मार्ग के लोग बहुत अधिक थे संख्या में। श्री देवचंद्र जी कानजी भट्ट से भागवत की कथा सुनने लग गए तो पहले के जो सांप्रदायिक लोग थे वल्लभाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए, वो देवचंद्र जी से विवाद करने लग गए। और विवाद के पीछे कारण क्या था कि देवचंद्र जी जब भागवत सुनने जाने लग गए, जब से उन्होंने शुरुआत की, पूरे 14 वर्ष उन्होंने भागवत की चर्चा सुनी है लगातार नियम पूर्वक, तो जब उन्होंने शुरुआत किया तो शुरू के कुछ दिन में उनको समय का पता नहीं होता था कई बार कि किस समय शुरू होना है, तो कभी कभी जब वो विलंब से पहुंचते थे, 5-7 मिनट की देरी से पहुंचते थे, तो वो जिसे श्लोक के हिसाब से चर्चा कर रहे होते थे, एक आध श्लोक आगे पीछे हो जाता था, तो वो भट्ट जी के घर में जाते थे, कानजी भट्ट के घर में चर्चा समाप्त होने के बाद, और कहते थे कि भट्ट जी गुरुदेव मेरे आने से पहले कौन कौन से श्लोक हो चुके हैं, कृपया एक बार मुझे बता दीजिएगा, सुना दीजिएगा। तो भट्ट जी को क्या करना पड़ता था, भागवत मंगानी पड़ती थी फिर से मंदिर से, मंदिर से भागवत मंगाते थे, फिर उसको खोल करके वो अर्थ बता देते थे, चर्चा सुना देते थे। फिर भट्ट जी ने सोचा कि रोज़ रोज़ ऐसा तो नहीं कर सकते कि मतलब मंदिर से फिर से खुलवाना पड़ता है, किताबें मंगानी पड़ती है, इससे अच्छा ये कि मैं 2-4 मिनट के लिए रुक जाता हूँ अगर किसी दिन देवचंद्र जी देरी से आते हैं। तो इस चीज़ को पहले से जो चौधरी वगैरह कथा सुनने आते थे वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी,
उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक ये किसी न किसी बहाने से रोके रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम इतने वर्षों से सुन रहे हैं, हम तो पिछले कई वर्ष से यहीं के रहने वाले हैं, हम तो दान भी दे देते हैं, पैसा इतना देते हैं, हमारी वजह से मंदिर चल रहा है, भट्ट जी को सारा धन तो हम देते हैं। ये देवचंद्र ने ऐसा क्या कर दिया कल के आए लड़के ने कि वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, और हम कई बार लेट आते हैं तो हमें तो पूछते भी नहीं कि आप विलम्ब से क्यों आए। तो इस वजह से अब उनके मन में ईर्ष्या होनी शुरू हो गई, और जहाँ ईर्ष्या होती है तो व्यक्ति क्या करता है, जिससे ईर्ष्या होता है उसकी वो निंदा करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि निंदा और ईर्ष्या सगी बहनें हैं। कोई किसी की यदि निंदा कर रहा है आपके पास आकर के, तो समझ लीजिए कि उसको इस व्यक्ति से ईर्ष्या है। तो अब वो निंदा करने लगे, लेकिन निंदा भी ऐसे तो नहीं कर सकते ना बिना गलती के, तो वो गलती ढूंढने लग गए। अब लोग ढूंढने पर तो चंद्रमा में दाग निकाल ही देते हैं। अब देवचंद्र जी के अंदर कोई कमी थी नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं कोई ना कोई तो कमी होगी, वो ढूंढने लग गए। तो अब पहले उन्होंने पूछा कि भट्ट जी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो भट्ट जी ने कहा कि इतने वर्षों में आपने कभी आकर के पूछा, बाद में आकर के किसी दिन अगर आप लोग विलंब से आते हैं, देरी से आते हैं, तो आपने तो कभी पूछा नहीं, और देवचंद्र जी तो हमेशा पूछते हैं, मुझे भागवत खोलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं तब तक ग्रंथ नहीं खोलता जब तक कि देवचंद्र जी नहीं आ जाते। तो अब इन्होंने कमी ढूंढना शुरू किया कि देवचंद्र जी में क्या कमी हो सकती है। अब देवचंद्र जी ने एक नियम बनाया था। नियम क्या था कि जब तक मैं भागवत नहीं सुनूंगा, उनके हिसाब से भागवत कथा मतलब आत्मा का खुराक और भोजन शरीर का खुराक, शरीर का आहार। तो देवचंद्र जी ने ये निर्णय लिया था कि जब तक मैं भागवत नहीं सुनूंगा तब तक शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो वो क्या करते थे कि अब जितने भी वैष्णव हैं वो एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, जिसको वो व्रत कहते हैं। व्रत और उपवास में फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि उपवास का मतलब होता है भूखे रहना, भोजन नहीं ग्रहण करना, और उसका भी शाब्दिक अर्थ तो होता है नज़दीक में रहना। उप मतलब होता है नज़दीक, जैसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो सबसे नज़दीक का पद होता है वो उप प्रधानमंत्री का होता है ना, राष्ट्रपति के नज़दीक का पद होता है उपराष्ट्रपति। तो उप शब्द का अर्थ होता है नज़दीक, ठीक है। तो वास मतलब रहना, वसना, तो उपवास का मतलब हो गया नज़दीक में रहना। और ये अर्थ इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति उपवास रखता है तो सामान्य रूप से क्या होना चाहिए था, अभी कल परसों की चर्चा में भी मैंने थोड़ा सा वर्णन किया था इस विषय में, कि होना क्या चाहिए कि उस दिन व्यक्ति को भोजन की चिंता नहीं होती क्योंकि खाना नहीं खाता है। तो खाना नहीं खाना है तो ज़्यादा समय वो भक्ति के लिए दे सकता है, तो वो ज़्यादा परमात्मा के नज़दीक रहता है उस दिन बाहरी रूप से भी। तो वो हो गया उपवास, भोजन न ग्रहण न करना। और व्रत का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया जाता है उसको कहते हैं व्रत। जैसे मैंने निर्णय लिया कि मैं आज के बाद कभी भी क्रोध नहीं करूंगा या क्रोध के वशीभूत नहीं होऊंगा, और मैं उसका पालन करने लग गया तो वो हो गया व्रत। मैंने निर्णय लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य का पालन करने लगा तो वो हो गया व्रत, ठीक है। तो जो जिनको इसका अर्थ पता नहीं वो उपवास को ही व्रत समझते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि उस समय जो वैष्णव मार्ग के, वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी थे वो क्या करते थे, भागवत के एक प्रसंग के आधार पर एकादशी के दिन उपवास रखते थे व्रत कह करके। और ये कहा जाता है, भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें पूरा प्रसंग अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस सार उसका ये है कि ऐसा बताया गया है कि 125 करोड़ एकादशी के व्रत से, उपवास से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस वजह से एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है। तो वहाँ सब लोग उपवास रखते थे तो उस दिन क्या होता था कि अब भंडारे की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, तो
भट्ट जी ज़्यादा चर्चा करते थे उस दिन। तो देवचंद्र जी का नियम क्या है कि जिस दिन चर्चा सुनूंगा उस दिन खाना खाऊंगा, जिस दिन चर्चा नहीं सुनूंगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन चर्चा ज़्यादा होती थी तो खाना भी वो अच्छे से खाते थे, और अगले दिन द्वादशी के दिन वो लोग भंडारा करते थे, और भंडारे के दिन चर्चा नहीं होती थी तो देवचंद्र जी उस दिन भोजन नहीं करते थे। तो उल्टा हुआ ना, जिस दिन लोग उपवास कर रहे हैं उस दिन देवचंद्र जी भोजन कर रहे हैं, और जिस दिन देवचंद्र जी भोजन कर रहे हैं उस दिन दूसरे लोग। अब ये चीज़ लोगों को पता चली तो अब उनको छेद मिल गया, छिद्र मिल गया, कमी मिल गई। उन्होंने जा कर के भट्ट जी के सामने निंदा करना शुरू किया सभा के बीच में कि आपके हिसाब से ये जो भागवत है वो एक पेड़ है, उसमें स्कंद जो है उसकी डालियां हैं, फिर उसके अध्याय हैं, पत्ते हैं, उसमें जो श्लोक हैं वो रेशे हैं, और आपके हिसाब से तो देवचंद्र जी तो भागवत के पत्ते पत्ते रेशे रेशे से वाकिफ़ हैं, रग रग से वो वाकिफ़ हैं, जानकार हैं। तो आपने देवचंद्र जी को ये अलग राह क्यों बताई और हमें अलग राह क्यों बताई कि हम तो एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और देवचंद्र जी उस दिन खाना खाते हैं, और जब हम भंडारा करते हैं तो वो भूखे रहते हैं, ये उल्टी गंगा बहाना आपने क्यों सिखाया उनको? और जब इस तरह से बात कर रहे थे तो भट्ट जी तो माने नहीं पहले कि देवचंद्र जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देवचंद्र जी इतने में पहुंच गए संयोग से तो उन्होंने पूछ लिया सबके सामने ही कि देवचंद्र जी मैंने सुना कि आप ऐसा करते हैं, क्या ये सच है? देवचंद्र जी ने कहा हाँ गुरुदेव सच है ये, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा ये नियम है कि बिना भागवत सुने मैं भोजन नहीं करता, एकादशी के दिन कथा अधिक होती है इसलिए मैं भोजन कर लेता हूँ, और द्वादशी के दिन भंडारा होता है, कथा सुनने को नहीं मिलता, उस दिन मैं उपवास रखता हूँ। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या कि मैंने पहले ही बताया कि भागवत के आधार पर 125 करोड़ एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा, मनुष्य की उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष मान लिया जाए, आजकल तो नहीं है खैर, फिर भी मान लिया जाए कि 100 वर्ष है। अब पैदा होते ही शिशु अवस्था से ही तो वो उपवास रखना शुरू नहीं करता है, वो कब से शुरू करेगा? 10-12 साल का होगा, 15-20 साल का होगा, तब वो उपवास रखना शुरू करता है। अच्छा मान लो कि पैदा होते ही भी रखना शुरू कर दिया, तब भी एक महीने में कितने एकादशी होते हैं? 2, एक शुक्ल पक्ष के एक कृष्ण पक्ष के, तो साल भर में कितने हो गए? 24 एकादशी। 100 साल में कितने हो गए? 2400 एकादशी। अब सोचिए कि 125 करोड़ एकादशी का व्रत रखने के लिए उसको कितना जन्म लेना पड़ेगा, सोचिए पहला। और दूसरी बात कि 125 करोड़ एकादशी का व्रत रख लिया उसने अलग अलग जन्मों में, उसके बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो भी गई, तो जिस भागवत के आधार पर वो ये व्रत रख रहा है, उपवास रख रहा है, वही भागवत का कथन है कि महाप्रलय में तो उस स्वर्ग का भी नाश हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति करने से क्या फायदा? एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये जो भागवत है वो परब्रह्म की लीला रस का ग्रंथ है, और उनको सुन करके मैं स्वर्ग की साधना क्यों करो? दुनिया में लोग स्वर्ग जाने के लिए तड़पते हैं, कोई मर जाता है ना तो स्वर्गवासी लिखते हैं, भले उसने जीवन भर कर्म कैसे भी किए हो, है ना? लेकिन स्वर्ग जो है वो अंतिम लक्ष्य नहीं है किसी भी आत्मा का। स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष के स्थान को, कोई अलग से जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ जा करके लोग रहें। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने इस जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया है, हाँ अखंड मुक्ति वाला काम नहीं किया है लेकिन काम बहुत अच्छा किया है, तो आपके कर्मों के आधार पर आपको अगले जन्म में एक अच्छा मनुष्य तन मिला, स्वस्थ शरीर है, निरोगी काया, परिवार के सभी लोग मिलनसार हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, आर्थिक रूप से किसी तरह की कमी नहीं है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो वो हो गया एक स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग क्या है? जो योगी तपस्वी साधक हैं उनके लिए साधना करने का विशेष स्थान है, जैसे कलाप ग्राम के विषय में हमने सुना, वहाँ पर इस प्रकृति की कोई मर्यादा काम नहीं करती, सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि कोई वहाँ पर प्रभावित नहीं कर सकता, तो वो स्थान भी स्वर्ग कहलाता है क्योंकि वो वहाँ पर एक तरह से आनंद में डूबे रहते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि निश्चित समय के लिए या कोई मतलब अलग से जगह है वहाँ जा कर के रहने को मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पुण्य तो समाप्त होते रहते हैं और पुराण कहते हैं कि क्षणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, पुण्य क्षय होने के बाद फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें कि हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाएं। तो वो बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग क्या है, परब्रह्म की प्राप्ति, जिसके लिए श्री देवचंद्र जी प्रयासरत हैं। तो जब देवचंद्र जी ने जवाब दिया तो अब उनके पास कोई सवाल बचा नहीं, अंदर अब वो संतुष्ट नहीं हुए लेकिन चुप हुए। चुप होने में और शांत होने में फर्क है। लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से जब झगड़ा होता है ना, अंदर ही अंदर तो क्रोध बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो बोलचाल में कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं शांत हो गया हूँ। चुप होने में और शांत होने में बहुत फर्क होता है। तो वो चुप तो हो गए लेकिन अंदर ही अंदर अशांत थे बेचारे, क्या करते, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब देवचंद्र जी तो वैसे भी इन सब चीज़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि परसों की चर्चा में भी हमने सुना था कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और लोग क्या कहेंगे ये सोच करके अगर देवचंद्र जी भी आगे बढ़ते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि कई बार लोगों ने कहा होगा कि जवान बेटा है, दिन भर मंदिर में पड़ा रहता है, घर के माता पिता की सेवा नहीं करता। कहा होगा कि नहीं कहा होगा, बीतक में नहीं लिखा है, लेकिन समाज की जो मानसिकता, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की मानसिकता ऐसी है कि नहीं। तो कहने वाले तो लोग बहुत होंगे, लेकिन देवचंद्र जी ने कभी भी अपनी राह को नहीं बदला, अपना लक्ष्य नहीं बदला। हाँ, अलग अलग जगह पर गए वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो अब इस तरह से निष्ठाबंद रूप से वो भागवत सुन रहे हैं, और कैसे सुनते हैं, कहते हैं, इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। जब भी कोई अच्छा प्रसंग आता, सरस मतलब अच्छा, जब भी कोई अच्छी चर्चा सुनते हैं, क्योंकि अब सारे प्रसंग तो एक जैसे नहीं होते, कई बार सामान्य कथा होती है, कहानी होती है, कई बार दृष्टांत होता है, कई बार कोई प्रसंग होता है। तो जब भी अच्छा प्रसंग सुनते हैं तो वो भावुक होकर के उनके नैनों से अश्रुधारा बहने लगती है। इस प्रकार निष्ठाबंद रूप से उन्होंने 14 वर्ष तक, एक दिन दो दिन की बात नहीं है, यहाँ तो हम सब सुंदर साथ को पता है कि साल में 1 महीने की बीतक चर्चा होती है, उसमें भी सारी सुविधाएं हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है, साउंड सिस्टम सब बढ़िया है, पंखे चलते हैं, सुंदर साथ को लेने के लिए भी गाड़ी जाती है, पहुंचाने के लिए भी गाड़ी जाती है, और उसके बाद भी सुंदर साथ कभी कभी बहाने बना देते हैं कि आज ये समस्या है, आज वो समस्या है, हम नहीं आ सकते। सिर्फ 1 महीने के लिए होता है तब भी, लेकिन देवचंद्र जी ने यही नियम 14 वर्ष तक निभाया, और उस निष्ठा के कारण उनको राज्य का दर्शन हुआ। क्या कह रहे हैं, यों 14 वर्ष निष्ठाबंद वचन ग्रहे सबसार, या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। कि 14 वर्ष भागवत सुनने के बाद परब्रह्म की जो कृपा हुई उसके विषय में बताने जा रहे हैं, और अगला जो प्रकरण है वो है दर्शन का। अब क्या कह रहे हैं, अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक, जो मेहर सैयन पर करी सुभानुल हक। राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों पर जो मेहर की, कृपा की, ब्रह्म सृष्टियों पर कृपा कैसे क्यों कहा गया इसको, दर्शन तो देवचंद्र जी को हो रहा है, फिर हम पर क्या कृपा हुई। हम पर ये कृपा हुई कि देवचंद्र जी को जब दर्शन हुआ, दर्शन के बाद जो बातचीत हुई, फिर राजजी उनके हृदय धाम में विराजमान होकर के जो जागने की लीला करने लगे, जो चर्चा सुनाने लग गए, तब हमारे सामने वह ज्ञान प्रकट हुआ जिसके कारण हमें राजजी की पहचान हो सकी। जब उन्होंने कहा लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह है मेरी आशिक, तो ये हमारे ऊपर कृपा है। तो अब उसकी भूमिका बता रहे हैं कि राजजी का दर्शन कैसे हुआ, क्योंकि अब फल पाने का समय है। हम साल भर पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई का फल रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में जब पाना होता है, तो उससे पहले क्या होता है,
उससे पहले होती है परीक्षा। बिना परीक्षा के परिणाम निकलता है? साल भर आपने मेहनत किया तो वो मेहनत सही से किया है कि नहीं किया, इसका आंकलन कैसे करते हैं? परीक्षा के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से श्री देवचंद्र जी की भी अब परीक्षा होनी है। अब परीक्षा कैसे कि फल जितना बड़ा होगा, बड़ा का मतलब साइज के हिसाब से नहीं, कटहल की तरह नहीं, महत्वपूर्ण फल जितना महत्वपूर्ण होगा उसको पाने से पहले उसकी कीमत भी वैसे ही चुकानी पड़ेगी। हम बोलचाल में क्या कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं ना, कुछ गंवाना पड़ता है। अब राज जी आपके लिए कितने कुछ हैं? राज जी का आपके जीवन में कितना महत्व है? कुछ कुछ, थोड़ा, ज्यादा या? देखिए, थोड़ा और ज्यादा तो तब कहते हैं जब हमारे पास विकल्प हो, है ना। राज जी को तो हम सर्वस्व कहते हैं ना, इसका मतलब वो कुछ नहीं है, सब, बहुत कुछ नहीं, वो सब कुछ है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका मतलब सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। बात तो सही है ना। अब देवचंद्र जी की भी परीक्षा ऐसी ही हुई। अब परीक्षा कैसे हुई कि एक दिन उनको ज्वर आया, बुखार आया। बुखार आने पर तकलीफ होती है, धीरे धीरे वो बुखार बढ़ता ही गया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, अब चार पांच दिन हो गया तब भी बुखार उनका ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि देवचंद्र जी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो तो उनकी तो दिनचर्या क्या है, उठना है, जैसे ही समय हो भागवत सुनने के लिए जाना है, आना है, फिर वही ध्यान करने बैठना है, सेवा करनी है। तो उस दिनचर्या में ही वो अपने आप को इतना लगाते हैं कि दवाई वगैरह के लिए तो ध्यान ही नहीं रहता है, सोचते हैं उतर जाएगा उतर जाएगा। तो चार दिन पाँच दिन हुआ बुखार नहीं उतरा, और आप सबको पता है बुखार दो दिन के लिए भी रहता है तो शरीर टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब वही बुखार 10-12 दिन तक रहा तब भी ठीक नहीं हुआ। तो मतु मेहता जी ने एक वैद्य को बुलाया और कहा कि ये इतने दिनों से इनका बुखार छूट नहीं रहा है। वैद्य ने नाड़ी देखी, नाड़ी परीक्षण करते हैं ना, तो परीक्षण करके कहा कि इनको तो सन्निपात है। सन्निपात मतलब दिमागी बुखार कहते हैं ना, और सन्निपात में ऐसा होता है कि उसको हवा नहीं लगने देना होता है, ठंड नहीं लगने देनी होती है। तो वैद्य ने दवाई दी और कहा कि इनको खुले में बिल्कुल नहीं जाने देना, हवा नहीं लगने देना, नहीं तो ये व्यक्ति मर भी सकता है। तो अब माताजी ने कहा कि ये तो अभी भागवत सुनने का समय होगा तो कुछ भी हो चले जाएंगे। तो वैद्य ने दवाई ले ली वापस, क्योंकि अब वैसे तो देवचंद्र जी को कुछ होना नहीं था, ये परीक्षा है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखें तो कोई मरीज अगर मर जाए किसी वैद्य की दवाई लेने के बाद, अब वो उस वैद्य की तो पूरी रोजी रोटी चली जाएगी ना, कि इसकी दवाई से फलाना व्यक्ति मरा था, कोई व्यक्ति उससे इलाज कराएगा? इस वजह से वैद्य ने वो दवाई वापस ले ली। तो मतु मेहता जी ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये दवाई दिलाऊंगा और मैं इनको कहीं जाने नहीं दूंगा। तो वैद्य ने कहा अच्छा ठीक है, दवाई दे करके वैद्य चले गए। तो उन्होंने दवाई तैयार की, काढ़ा वगैरह तैयार किया, उसके बाद में जब पिलाया, अब जाने का समय हो गया, तो देवचंद्र जी उठने के लिए कहने लगे, तो मतु मेहता जी ने मना किया कि हम जाने नहीं देंगे। देवचंद्र जी कहते मैं नहीं रुकने वाला, कहते धर्म राखे ते देह है, धर्म की रक्षा करने से ही देह की रक्षा होती है। कहते भी हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अब घर वाले कह रहे हैं कि देह रखोगे तो धर्म निभेगा, क्योंकि ये भी सच है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन दोनों का प्रसंग अलग अलग है, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। शरीर की रक्षा होगी तो हम आप शरीर से धर्म कर सकते हैं, ये बात भी सच है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, दोनों बातें सच है, लेकिन दोनों की अवस्था तो भिन्न है ना। देवचंद्र जी किस अवस्था में पहुँचे हैं और मतु मेहता एक सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य पिता की दृष्टि से देख रहे हैं, तो वैद्य तो जा चुके हैं,
दवाई भी दे चुके हैं। अब देवचंद्र जी क्या करने लगे कि ऐसे कानू वान में पट्टी वट्टी बांध ली, कपड़ा बांध लिया और उठने के लिए तैयार हो गए। तो मत्तु मेहता जी ने घर के बाहर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब एक तो कमजोरी और ऊपर से वो खींच गए कि मुझे जाने से रोका जा रहा है। बीमारी बीमार अवस्था में रोग रुगणा अवस्था में व्यक्ति और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अब देवचंद्र जी कहने लगे कि खोल दो, और यहाँ तक कि अब कठोर शब्दों में कहा कि रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, मैं वैसे तो नहीं मरूंगा लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो आप लोग सिर्फ मेरा शरीर देखोगे, मेरी आत्मा भागवत सुनने के लिए जा चुकी होगी। और इतने में वो गिर गए बेहोश होकर के। अब माता कहने लगे खम्मा खम्मा घड़ी खम्मा, क्योंकि राजस्थानी मूल से थे, राजस्थान में कहते हैं ना क्षमा कहते हैं घड़ी खम्मा। तो उन्होंने आवाज़ लगाई मत्तु मेहता जी को, तो मत्तु मेहता जी ने दरवाज़ा खोला, देखते हैं तो देवचंद्र जी बेहोश हैं। अब तो अब मत्तु मेहता जी ने बुलाना शुरू किया कि तुम उठ जाओ, उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उठो, भट्ट जी बुलाने के लिए आए हैं, भट्ट जी ने बुलावा भेजा है भागवत सुनने के लिए, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। अब एकाध घड़ी के बाद में, मतलब लगभग आधा घंटा 40 मिनट का समय हुआ होगा, तो इतने में उनको होश आया और उठ करके बैठ गए। चेहरा उनका सफ़ेद हो चुका है कमजोरी के कारण, लेकिन लाठी पकड़ करके वो हिम्मत करके खड़े हुए। और अब मत्तु मेहता जी कहते हैं कि आप कहो तो हम पहुँचाएँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं चला जाऊँगा, ऐसा इशारा करके चले गए और जा करके सभा में बैठे, चर्चा सुनने लग गए। चर्चा सुन करके वो वापस आए, वापस आ करके फिर से उन्होंने दवाई ली। अब ये उनकी परीक्षा की अंतिम सीमा थी, उसके बाद धीरे धीरे करके एक दो दिन में उनको बुखार उतर गया। और बुखार उतरने के बाद में 10-15 दिन हो गए, तो 10-15 दिन हो चुके थे चर्चा सुनते सुनते बुखार उतरने के बाद। तो अब क्या कह रहे हैं, दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। दीदार दे करके राज जी ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान है, और जिस स्वरूप ने दीदार दिया उस स्वरूप के विषय में बताते हुए श्री लालदास जी कह रहे हैं कि वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहया जैसी गवाही दई मन, जैसी गवाही दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वय अर्थात अवस्था, जिस स्वरूप ने दर्शन दिया उनकी अवस्था कैसी थी, देखने पर कैसा लग रहा था कि ये किशोर है, अत्यंत सुंदर है, और दर्शन देने वाला स्वरूप है कौन, कैसा दिखता है किशोर अत्यंत सुंदर, और वो कौन है, तो कह रहे हैं कि स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में लीला करने वाले स्वरूप ने दर्शन दिया, उस तन ने नहीं, वृंदावन वाले तन ने नहीं, क्योंकि वृंदावन में रास की लीला करने वाला जो किशोर स्वरूप है, यहाँ भी दर्शन देने वाला किशोर स्वरूप है, योग माया में रास की लीला करने वाला भी किशोर स्वरूप है, लेकिन यहाँ जो दर्शन दे रहे हैं वो परमधाम वाले स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। अब कई बार लोग, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो इस प्रसंग में कहते हैं कि वृंदावन वाले श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया, क्योंकि चौपाई कह रही है स्वरूप खेला जो वृंदावन। आप कृष्ण जी का स्वरूप जो वृंदावन का है, रास में जो वर्णन किया गया है उसको लिखिए एक तरफ, और परमधाम का जो स्वरूप है उसको एक तरफ लिखिए, दोनों में फर्क है। रास की वाणी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो एक बार पढ़ लीजिए। तो रास की वाणी में राज जी का जो श्रृंगार है श्री कृष्ण जी का, वो अलग तरह का, उन्होंने वहाँ पर सूथनी पहनी हुई है, उनकी जो चोटी है वो गुंथी हुई है,
उनके हाथ में मुरली है, बांसुरी है, जो भी। और परमधाम में सुथनी तो नहीं है, परमधाम का श्रृंगार ही अलग है। और हम प्रतिदिन सुबह की सेवा पूजा में राज्य का श्रृंगार हम कहते हैं, तो हमें क्या इतना पता नहीं कि रास का श्रृंगार क्या है, परमधाम का श्रृंगार क्या है? पहला। दूसरा, वृत्तांत मुक्तावली के अंदर इस प्रसंग में, देवचंद्र जी के दर्शन के प्रसंग में राज्य के स्वरूप का वर्णन किया, और वो स्वरूप वही है जो परमधाम में सिंहासन पर विराजमान है। तो ये वृंदावन वाला रूप कैसे हो सकता है? हाँ, वृंदावन वाले स्वरूप का मतलब ये है कि वह शक्ति जिसने वृंदावन में लीला की थी, रास विहारी श्री कृष्ण जी के रूप में लीला की थी, उनके रूप में उस स्वरूप ने दर्शन दिया परमधाम वाले मूल स्वरूप के रूप में। क्योंकि अगर कृष्ण जी के रूप में ही दर्शन हुआ होता तो कृष्ण जी के विषय में तो वो भागवत में 14 वर्ष से सुनते आ रहे थे, तो उनको अंदाजा होता ना कि ये दर्शन देने वाला कौन है। अगर कृष्ण जी के रूप में ही दर्शन हुआ होता तो देवचंद्र जी क्या कहते कि कभी वो ये नहीं कहते कि हम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरी आत्मा के पति हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, नहीं कहते। अगर कृष्ण जी के रूप में दर्शन हुआ था तो कहते कि हाँ, आपके बारे में तो मैं इतने वर्षों से सुन रहा हूँ, आप तो कृष्ण जी हैं, ऐसा कहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि देख, श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन, तुम हमारे खावंद, एता जानत है हम। कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप हमारे खावंद हैं। तो राज जी ने पूछा कि आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? पता है, वाणी में भी ये प्रसंग आया है कि ये जो संसार है, जिस संसार में तुम हो, वो संसार कौन सा है, क्या तुम इसे जानते हो? ठीक है, अपने विषय में जानते हो? तो देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया उस वाणी के प्रसंग में कि मुझे तो सिर्फ इतना पता, कहते हैं, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हूँ या पर। कि मुझे तो आपकी पहचान भी नींद में, सिर्फ इतना पता है कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम हैं, लेकिन वो भी नींद की अवस्था में, पूर्ण पहचान नहीं है। कहते हैं, इतना हम जानत है जो धनी हमारे तुम। अब राज जी ने कहा, कहिया तुम एता ही जानत, अब बतावे हम। कि अगर तुम इतना ही जानते हो तो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि तुम कौन हो। कहते हैं, नाम तुम्हारा बाई सुंदर। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर बाई। सुंदर बाई और श्यामा जी एक ही हैं। लोग कई बार मैंने सुना, बहुत सारे विद्वान हैं वो ये कहते आए हैं कि सुंदर बाई जी जो हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि श्यामा जी की हजूरी हैं। परमधाम में कोई हजूरी नहीं है। वाणी स्पष्ट रूप से कहती है, सुंदर बाई श्यामा जी नाम, श्यामा जी का ही नाम सुंदर बाई है। तो राज जी ने कहा कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेली तुम ब्रज रास में। तुमने ही ब्रज में लीला की, तुमने ही रास में लीला की। और जब दोनों लीलाओं में मनोरथ पूरी नहीं हुई तो कहते मनोरथ पूरे ना हो भये, ये तीसरा हुआ तीन से, ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड हुआ। और यहाँ पर तुम्हारी तरह और भी सखियाँ, और भी ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं। अब कहते हैं, अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगाना और अपने धाम आना है। तो देवचंद्र जी ने पूछा श्यामा जी ने कि धनी, वे साथ कहाँ हैं, कि वो सुंदर साथ कहाँ पर है? राज जी ने कहा, इस विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहिया मैं भेजो तमाम, जिनको भी जगाना होगा मैं उन्हें किसी न किसी बहाने से आपके पास भेजूंगा, बस आप उन्हें जगाना। और कहते हैं, ए भागवत कागत तुम्हारा, जिसको आप सुन रहे हैं अभी, कहते हैं कि ये भागवत तो आपके लिए चिट्ठी है, संदेश है, और ये भागवत आपके अलावा और कोई नहीं खोल सकता, मतलब ब्रह्म सृष्टियों के अलावा कोई और नहीं खोल सकता, और कोई ना खोल सके। ए जो खलक आम, अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका अर्थ खोल नहीं सकता। अब कहते हैं, अगर इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो कहते हैं कि पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं कभी भी इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला नहीं हूँ। तब देवचंद्र जी ने पूछा कि अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ जाएंगे, अगर दर्शन नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो राज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम।
कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही आकर के विराजमान हो जाऊंगा। तो देवचंद्र जी ने कहा, जब आप ही मेरे अंदर आ रहे हैं तो तब मुझे कहाँ पूछना, अब मुझे और कुछ पूछने की क्या आवश्यकता है भला। अब ये जो प्रसंग हुआ, इतनी जो बातचीत हुई दर्शन देकर के अब तक की, और राज्य अंतर्ध्यान हुए, श्री देवचंद्र जी के हृदय में आकर के विराजमान हो गए, यहाँ तक के प्रसंग को कहा गया ए कहे तारतम बीज वचन। तारतम के बीज वचन कहा गया है। अब इस संदर्भ में समाज में बहुत विवाद है कि बीज मंत्र है, बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र नहीं है, कहीं पर भी वाणी और बीतक में ये शब्द आपको मिलेगा ही नहीं कि ये तारतम बीज मंत्र है। यहाँ बीज वचन कहा गया, उसके पीछे कारण क्या है? बीज किसे कहते हैं? किसी भी पौधे का जो सूक्ष्मतम रूप होता है वो बीज होता है ना। बीज से क्या बनता है? पौधा। पौधे से बनता है वृक्ष, और वृक्ष से फल बनता है, ठीक है। अब राज जी ने श्यामा जी के साथ जो बातचीत की वो बीज रूप में है, उससे जो वृक्ष अंकुरित हुआ वो तारतम ज्ञान रूपी पौधा है, ठीक है। वाणी के रूप में वह वृक्ष बन करके बड़ा हुआ संपूर्ण वाणी के रूप में 18,758 चौपाई के रूप में, और उसका फल क्या है? जागनी। वाणी का फल क्या है? तारतम सार जागनी विचार। तारतम वाणी का सार ही आत्म जागृति है। तो यहाँ बीज मंत्र वाली बात नहीं है। अब फिर समाज में इस बात का विवाद है कि तारतम मंत्र था, बीज मंत्र था, और इन्होंने बीज मंत्र बदला, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, जबकि वाणी और बीतक को हम ढंग से देखें बिना किसी पूर्वाग्रह के तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद है ही नहीं। जब हम बीतक आगे पढ़ेंगे पता चलेगा अनुपसार के प्रसंग को, कि अनुपसार में जब सनंद ग्रंथ अवतरित हुआ, सनंद ग्रंथ में निज नाम श्री कृष्ण जी नहीं है, वहाँ निज नाम श्री जी साहेब जी की छाप है। अब इसका मतलब तो यह है कि श्री जी दोषी हैं, श्री जी की गलती है कि तारतम बदल दिया, श्री जी अज्ञानी है, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो किसी व्यक्ति के ऊपर ये कहना, समाज में ये प्रचलन में है कि आज से लगभग 40-50 साल पहले या उतना भी समय नहीं हुआ, जगदीश चंद्र जी ने, जिनको हम सरकार श्री कहते हैं, कुछ लोग आहूजा कहते हैं, तो जगदीश चंद्र जी ने तारतम बदल दिया ऐसा कहते हैं, और इसी बात का विवाद है कि ये तारतम विरोधी हैं, बीज मंत्र का विरोध कर दिया, ये गुरु विरोधी हैं, सदगुरु द्रोही हैं, जबकि तारतम तो उसी समय राज्य के हुक्म से बदला गया। और बदलने का क्या मतलब है? वो वाणी तो अवतरित हुई है ना, निज नाम श्री जी साहेब जी, ऐसा होता कि आज से 40-50 साल पहले वो तारतम हो ही ना, और अभी अभी मार्केट में आया हो तो समझा जाए कि ये तारतम बदला गया है। आप समाज में जितने भी पुराने मंदिर हैं वहाँ की हस्तलिखित वाणी उठा करके देखें तो आपको मिलेगा कि निज नाम श्री जी साहेब जी लिखी गई वाणी हर जगह पर है। हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में 250 साल पुरानी वाणी की प्रतिलिपि है, उसमें निज नाम श्री जी साहेब जी है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से सत्य क्या है, पूर्ण सत्य, कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि निज नाम श्री कृष्ण जी नहीं कहना चाहिए तो वो भी गलत है, और कोई ये कहता है कि निज नाम श्री जी साहेब जी जो कहेगा वो उसकी आत्म जागृति नहीं होगी, वो आठवीं बहिष्ठ में जाएगा, उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, तो वो भी गलत है। दोनों तारतम सही हैं, दोनों तारतम का अर्थ भी सही है, हाँ प्रसंग अलग अलग है, ठीक है। रास प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खटरितु और किरंतन ग्रंथ, इन पांच ग्रंथों में निजनाम श्री कृष्ण जी की छाप रहेगी तो निजनाम श्री कृष्ण जी ही रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि यदि कोई निजनाम श्री जी साहेब जी लिख रहा है तो पाप लग रहा है, क्योंकि दोनों तो राज्य के ही नाम है, राज्य की पहचान है, ठीक है। हाँ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इन पांच ग्रंथों का जब अवतरण हुआ तो उस समय निजनाम श्री कृष्ण जी ही अवतरित हुआ, उसके अतिरिक्त सनंद,
फिर खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत, कयामतनामा, इन सब में निज नाम श्रीजी साहेब जी ही होगा। अब सवाल ये होता है कि जब प्रदान किया जाए, तारतम प्रदान किया जाए, तो कौन सा तारतम प्रदान किया जाए? तो इसके लिए भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि तारतम प्रदान करना एक औपचारिकता है। पहली बात कि किसी एक वाणी के साथ में, राज्य के साथ में कोई औपचारिक रूप से बंधन में बंध रहा है ऐसा, ठीक है। अन्यथा ऐसा थोड़ी है कि जितने तारतम लिए हुए लोग हैं सभी राज्य का दर्शन करें, ऐसा तो नहीं है। बोलचाल में भले ही कुछ लोग भजन बना करके गाएं कि निज नाम की गड्डी में बैठ करके हम परम धाम जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तारतम मिला, कुछ लोग वो चौपाई भी कहते हैं, तारतम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। वहाँ तारतम का मतलब संपूर्ण वाणी है, सिर्फ छः चौपाई नहीं है या 16 अक्षर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 16 अक्षरी मंत्र होता है, मंत्र में 16 अक्षर होते हैं, और निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत उसमें 16 अक्षर हैं, तो इस वजह से बीज मंत्र यही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है कि मंत्र में 16 अक्षर ही हों। मंत्र किसको कहते हैं? कहीं कोई ऐसा नियम है शास्त्र में कि मंत्र 16 अक्षर का ही होना चाहिए? गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? तो गायत्री को आप मंत्र की वैलिडिटी नहीं देंगे, गायत्री भी तो एक मंत्र है। वेद में जितने भी शब्दों के समूह हैं वो सब मंत्र कहलाते हैं। अब गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, एक जगती छंद है उसमें 44 अक्षर होते हैं, तो छंद के आधार पर मंत्र होता है, और जो छंद होता है उसमें उतने ही अक्षर होते हैं। इतना तो थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समझता है। हाँ, यदि वाणी में कोई चौपाई लिखी होती कि मंत्र जो 16 अक्षर में लिखा होगा वही मान्य होगा, बीतक में कोई चौपाई होती या वेद दर्शन उपनिषद में कहीं लिखे होते तो माना जाए। सोचिए कि वैष्णवों के इतने संप्रदाय हैं, उनमें कोई मंत्र के रूप में किसको मान रहा है? ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। कोई मंत्र मान रहा है ओम नमो नारायणाय। 16 अक्षर है, गिन के देखिए, ठीक है। तो कोई विवाद नहीं करता इस विषय को लेकर के कि मंत्र इतने ही अक्षर का होना चाहिए। हमारे समाज में कट्टरता है, और कट्टरता किस बात का परिचायक है? अज्ञानता का। वाणी को हमने ढंग से नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी होगा दिल से अगर उसको स्वीकार नहीं किया तो वहाँ से कट्टरता की शुरुआत होती है, अन्यथा वाणी भी तक में कहीं पर भी इस चीज़ का बंधन ही नहीं है। पहला, दूसरी एक और बात, प्रसंग चल ही रहा है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एक तो समाज में ये कहा जाता है कि तारतम जो है वो माइक पर नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, इसको नहीं सुनाना चाहिए, उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो बिहारी जी ने नियम बनाया कि तारतम सुनाने में परहेज किसने रखा? बिहारी जी ने रखा ना। या तो आप ये बताइए कि बिहारी जी बात का हम अनुसरण करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बिहारी जी की बात का भी आप अनुसरण नहीं करते, क्योंकि इतना ही अनुसरण करते हैं तो हमारी जो गादी है, सबसे महत्वपूर्ण गादी जो मानी जाती है नौतनपुरी की, वहाँ पर गादीपतियों की जो लिस्ट है उसमें बिहारी जी का नाम ही हटाया हुआ है। उनके जगह पर श्री प्राणनाथ जी हैं गादीपति, ऐसा लिखा है दूसरे गादीपति के रूप में, जबकि श्री जी तो गादी में बैठे भी नहीं, गादी में तो बिहारी जी ही बैठे। और आप एक तरफ तो उनको गादी परंपरा से हटा रहे हैं, और दूसरा बिहारी जी के बनाए गए नियम को कि तारतम इसको नहीं सुनाना, उसको नहीं सुनाना चाहिए, उसका पालन कर रहे हैं। अन्यथा वाणी तो क्या कहती है, या बीतक तो क्या कहती है? कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तारतम नहीं सुनाना चाहिए। वाणी कहती है, ए वाणी गर्जत माझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। फिर क्या कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखत। अब कहते हैं कि नहीं, तारतम तो सिर्फ पात्र को देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप जिसको तारतम दे रहे हैं, कान में मंत्र फूंक रहे हैं, उसके अंदर पात्रता है, वो आपको कैसे पता? क्या समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने तारतम लिया, कंठी बांधी, फिर कंठी को जा करके हैंगर में लटकाते हैं, उसके बाद में पौवा चढ़ाते हैं? ऐसे लोगों की कमी है क्या समाज में? तो आप जिनको मंत्र दे रहे हैं उनकी पात्रता आप कैसे नापेंगे? कोई केमिकल है? तो ऐसा नहीं है कि तारतम यहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसके सामने नहीं बोलना चाहिए।
पात्रता तो ज्ञान को ग्रहण करके आती है, और ये बात तो सत्य है, सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन जो इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि तारतम इसके सामने नहीं बोलना चाहिए, उसके सामने नहीं बोलना चाहिए, ये पात्र नहीं होते, वो पात्र नहीं होते, जो इस तरह से मना कर रहे हैं, वो स्वयं अपने दिल में झांक करके देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में पात्रता तो कुछ उनके अंदर भी नहीं है। ये कड़वा सच है। तो इसीलिए तारतम का विरोध नहीं होना चाहिए समाज में सैद्धांतिक रूप से। इस बात का भी विरोध नहीं होना चाहिए कि तारतम ऐसे बोला गया, लिखा गया, प्रकाशित किया गया। कुछ लोगों ने कहा, अभी लगभग 6-7 महीने पहले मैं सोशल नेटवर्किंग साइट देख रहा था, तो उसमें जैसे वाणी अपलोड की गई ना अलग अलग भाषाओं में, किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया, मुझे पढ़ करके आश्चर्य हुआ कि दुनिया चांद में पहुंच गई और ये कहां पर अटके। उसमें लिखा था कि इन्होंने तारतम वाणी को समाज के सामने नंगा कर दिया। ज्ञान नग्न कैसे हो सकता है? ज्ञान अगर जाहिर हो रहा है किसी के सामने तो ज्ञान का सम्मान है कि अपमान है? ज्ञान तो प्रकट करने के लिए है ना, जाहिर करने के लिए है। अब अगर हम किसी के सामने जाहिर कर रहे हैं तो वो नग्न होना कैसे हुआ? श्री जी जब चर्चा सुनाते होंगे, वाणी की चर्चा सुनाते होंगे, तो वहाँ पर सब लोग आकर के बैठते होंगे। अच्छा, वाणी भी तक में कहीं ऐसा लिखा है कि श्री जी ने ये कहा हो कि, जैसे मुसलमान भी आते थे वहाँ चर्चा सुनने के लिए, शेख बदल कायम मुल्ला इत्यादि, उन सबको कहीं पर ये कहा श्री जी ने कि पहले तुम पात्र बनो उसके बाद चर्चा सुनाऊंगा, ऐसा बोला? चर्चा सुने उसके बाद वो पात्र बने, है ना? हाँ, जब तारतम दे रहे हैं तो तारतम दे रहे हैं तब श्री जी ने कुछ चीज़ों का परहेज कराया और कहा कि इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए और इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। यो तारतम देते समय का परहेज है। अच्छा, ये बताइए कि जो श्री जी ने कहा कि पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब, चोरी और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें छुड़ाई? तंबाकू जन्य सभी पदार्थ, ठीक है? उसके बाद में मांस मछली, परदारा मतलब परस्त्रीगमन, इन सब चीज़ों को छुड़ाया। फिर कहा चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना। इसमें से एक दो चीज़ों का तो कुछ लोग पालन कर लेते हैं कि वो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, ठीक है? लेकिन हमारे समाज में जो तारतम की इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्या उन्होंने झूठ बोलना छोड़ा? जबकि तारतम लेते समय कसम दी जाती है, चोरी करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके संबंध परस्त्री के साथ भी होंगे। मैं किसी को बदनाम करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सत्य है। अच्छा, स्वयं के अंदर की बुराई नहीं छूट रही और दूसरे जो अच्छे काम कर रहे उसमें भी अगर मीन मेख निकाल रहे तो समाज इस तरह से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारा समाज दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान होने के बावजूद भी पीछे है। आज तारतम वाणी संसार के सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने में सक्षम है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं क्योंकि हमारे पास जनबल नहीं है। लोग देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा ज्ञान नया है क्या, ऐसा बोलते हैं। जबकि आज से 50 साल पहले आया हुआ कोई ज्ञान होगा, 60-70-80-100 साल पहले आया हुआ ज्ञान, समाज में सब लोग उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमारी जैसी संकीर्ण विचारधारा नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस्कॉन वाले ये कहते हैं कि गीता तो गुप्त ज्ञान है भाई, गीता को छिपा करके रखना चाहिए, तो कभी इस्कॉन का प्रचार होता? आज दुनिया में जितनी भाषाएं हैं लगभग सभी भाषाओं में उन्होंने गीता का अनुवाद किया, जहां तक संभव हो सके वो उसका प्रचार करते हैं, ठीक है? यहां तक कि मुसलमान कट्टर होते हैं लेकिन फिर भी, पहले क्या करते थे मुसलमान, गैर मुस्लिमों को कुरान नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा कहते थे, लेकिन आज उन्होंने भी कुरान का प्रचार करने के लिए अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया और कुरान को उन्होंने प्रचार किया, जबकि वो कट्टर होते हैं। ईसाई मत वाले अपने ग्रंथ का अलग अलग भाषाओं में प्रकाशन करवा रहे और फ्री में बंटवा रहे, और हमारे वाले क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको नहीं देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, जो पात्र है उसको देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टि 12,000 है। आप कोई मीटर लेकर के चलो, पता चले कि ब्रह्म सृष्टि के पास जा करके बीप 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 कर रहा है, पता चले अच्छा ये ब्रह्म सृष्टि, ऐसा तो नहीं है ना? किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये ब्रह्म सृष्टि है। तो हमारा कर्तव्य क्या है?
कि बादल की तरह बरसते जाना है। जो पात्र होगा वो इस ज्ञान को लेगा, उसकी आत्म जागृति होगी, जो नहीं होगा वो नहीं लेगा। इसमें हमारा काम नहीं है ये सोचना कि कौन पात्र है कौन। एक तरफ तो हम कहते हैं ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और दूसरी तरफ हम उसी के उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज का, हमारे ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस विषय में मैं आग्रह करूंगा कि जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे या जितने सुंदर साथ YouTube के माध्यम से या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भविष्य में सुनने वाले हैं, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और स्वयं भी अपने अंदर परिवर्तन लाएँ, अपने अंदर की जो कट्टरता है, सांप्रदायिक कट्टरता है उसको हटाएँ, जो अज्ञानता है उसको हटाएं, और वाणी को हम जोर शोर से प्रचार करें, जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि वह बीतक जो हम सुन रहे हैं, बीतक क्या कहती है, विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक। दुनिया में धर्म के नाम का सबसे बड़ा विरोध तो वही है, झगड़ा उसी चीज़ का है। तो वो विरोध बीतक से हो सकता है, वाणी से समाप्त हो सकता है, बीतक और वाणी से। तो हमें उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये एक समस्या है और उस समस्या का समाधान मैंने बताने का प्रयास किया। अब एक और प्रसंग है इसी सिलसिले में कि अभी अभी हमने सुना कि 14 वर्ष तक भागवत सुनी श्री देवचंद्र जी ने, उसके बाद उनको राज्य का दर्शन हुआ। तो इस विषय में बहुत जोर दिया जाता है। समाज में दो तरह के प्रचारक हैं। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो 100 में से 95 बार भागवत की कथा सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, और 5 बार वो वाणी सामने पधराते हैं और भागवत की कथा करते हैं, वाणी की तो चर्चा करते ही नहीं। अच्छा, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो वाणी की चर्चा करते हैं, वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब जो भागवत की कथा करने वाले लोग हैं वो भी दो तरह के हैं। एक मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि सत्य कहना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सच बोलूँगा और किसी को बुरा लगेगा, उस डर से मैं सत्य कहना बंद कर दूँ तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ। तो कुछ जो भागवत करने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि सुनने वाले लोग इसमें ज़्यादा आते हैं, कथा कहानियाँ हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत, सुनाने वालों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं गारंटी देके कहता हूँ, कोई व्यक्ति 15 दिन भी ढंग से मेहनत करे, थोड़ा बहुत कौमुदी पढ़ ले, तो वो भागवतकार बन सकता है। क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि कहानियाँ ही तो है, और कहानियाँ तो बच्चों को भी याद हो जाता है। आपने देखा होगा समाज में बाल व्यास फलाना, हाँ, ये बाल कथाकार, ये बाल प्रवक्ता, ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना है, आपको 8-10 कहानियाँ याद कर लेनी है, और कहानियाँ याद करना बहुत सरल है, और 2 कहानी के बाद में एक भजन गा देना है और 1-2 झांकियाँ निकाल देनी है। अब भजन में लोग डांस करेंगे, झांकियाँ देख करके क्या सोचेंगे, और अब जो कथा करने वाले हैं वो कहते हैं कि सुन करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जबकि सुनने से मुक्ति संभव है ही नहीं। सांख्य दर्शन में क्या कहा, न ही श्रवण मात्रेण तत्सिद्धि अनादि वासना बलवत्वात्, सुनने मात्र से मुक्ति संभव है ही नहीं। तो अब जिनको व्यापार बढ़ाना है वो कहते हैं कि सुनने से मुक्ति होगी। लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं सोचते हैं कि हाँ सुनने से मुक्ति होगी, आते हैं सुनते हैं, फिर उन कथा कहानियों में दान का महत्व बता देते हैं बड़ा चढ़ा करके, और फिर दान इकट्ठी करते हैं। प्रत्येक भागवतकार फिक्स करता है रकम, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है नाम उसका, कितना बड़ा है। कोई फिक्स करेगा कि मैं 2 लाख रुपए मिलेगा तब आऊँगा, कोई कहता है कि मुझे 1 बार का 2 लाख चाहिए, मतलब 1 मंच का, दिन में 3 मंच लगते होंगे, तो कोई कहता है कि 50 लाख के नीचे तो मैं आऊँगा ही नहीं। अभी अभी मार्केट में एक और साधु आया है, वो कहते हैं मैं बहुत महंगा संत हूँ, 1 करोड़ से नीचे तो मैं बात नहीं करता। YouTube में है उसका वीडियो कि 1 करोड़ से नीचे तो मैं बात भी नहीं करता, अगर मुझे बुलाना है तो पहले 1 करोड़ की व्यवस्था करो, मैं एरो गेरो के वहाँ नहीं आता। और लोग इतना होने के बावजूद भी वो समझते नहीं है कि विशुद्ध व्यापार है। तो एक भागवत करने वाले कुछ इस तरह के हैं, और जो दूसरे भागवत करने वाले लोग हैं दूसरे तरह के, वो कहते हैं कि देखिए हम तो वैसे तो वाणी ही सर्वोच्च ज्ञान है, लेकिन वाणी सब लोग समझते नहीं है ना, तो
तो इस वजह से हम भागवत की कथा करके उनको वाणी से जोड़ते हैं, जबकि ये भी गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति भागवत सुन करके तारतम लेगा वो अगली बार भी भागवत ही सुनेगा, क्योंकि सुनाने वाला किसकी महिमा बता रहा है? भागवत की, वाणी की महिमा तो वो बता ही नहीं रहा है। क्योंकि मैंने जितने लोगों के मुखारविंद से भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि देखिए ये जो भागवत का ज्ञान आप सुन रहे हैं इसमें बहुत सारे रहस्य हैं और इस रहस्य को खोलने की चाबी एकमात्र श्रीमुख वाणी, ऐसा कहने वाला एक भी भागवतकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वह ऐसा कहता है तो महिमा बढ़ जाएगी वाणी की, फिर व्यक्ति वाणी से जुड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि भागवत में तो कुछ नहीं है। भागवत में अखंड का ज्ञान कितना है? कितना? भागवत के 10वें स्कंद में 29 अध्याय से लेकर के 34 अध्याय तक, मतलब 5 अध्याय, ठीक है, उस 5 अध्याय में थोड़ा सा अखंड का ज्ञान है, वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो वर्णन करना चाह रहे थे। 29वें अध्याय का वर्णन किया सुखदेव जी ने, वर्णन करते करते राजा ने टोक दिया परीक्षित ने, तो जब परीक्षित ने टोक दिया तो उनका ध्यान भंग हो गया, सुरता वापस आई, तो उन्होंने क्या कहा कि कहने वाला चला गया, तू राजा मैं जोगी भया, और कहा भागे जोश कहे पंच अध्यायी, रास वर्णन हुआ न तीन ताई। तो जो रास का वर्णन हुआ है भागवत में वो अखंड का वर्णन नहीं हुआ है, वो तो प्रतिबिंब का, वो भी अनुमान से वर्णन हुआ है। अब सोचिए कि रास का वर्णन भी भागवत में अनुमान के आधार पर है और हमारे पास वाणी में एक रास ग्रंथ है अलग से सिर्फ रास की लीला का वर्णन करने वाली, और उसमें लगभग 950 चौपाइयाँ हैं जिनमें अखंड रास की लीला का जागृत अवस्था में राज्य के आवेश के द्वारा वर्णन हुआ है। तो दोनों में तुलना करके देख लीजिए, तो जिसको रास का आनंद मिल जाएगा रास की वाणी का, वो क्या करेगा फिर, वो भागवत सुनने क्यों जाएगा? तो इसीलिए भागवत का जो प्रचलन है समाज में, हाँ जहाँ प्रसंग चल रहा है वहाँ प्रमाण के रूप में देना तो ठीक है, लेकिन प्रमाण और प्रमेय में बड़ा कौन है? अच्छा आपको पता नहीं होगा प्रमाण और प्रमेय किसको कहते हैं ना, ये न्याय दर्शन की भाषा है। प्रमाण का, अच्छा प्रमेय पहले बता देता हूँ, जैसे प्रमेय का मतलब ये हो गया, उदाहरण से समझाता हूँ, प्रमेय मतलब चलिए एक परमात्मा है, ठीक है, उसको साबित करने के लिए कि परमात्मा है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है ना, तो प्रमाण तो समझ में आ गया प्रूफ है ना, और जिसको प्रमाणित किया जा रहा है प्रमाणों के द्वारा उसको कहते हैं प्रमेय। तो दोनों में से बड़ा कौन है? प्रमेय बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भागवत जो है, भागवत के जो कुछ श्लोक हैं कुछ प्रसंग है वो किस बात को सिद्ध करने के लिए है? वाणी को। तो वाणी यहाँ पर प्रमेय हुआ, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? वाणी बड़ी हुई। इसका मतलब क्या है कि प्रचार किसका होना चाहिए? वाणी का। आवश्यकता पड़ने पर भागवत का उदाहरण ले लेना चाहिए कि भागवत में इस प्रसंग में ऐसा कहा है। जैसे अभी कल 3-4 दिन पहले की चर्चा में हमने सुना ना कि देवापी और संतनु, देवापी जो कि संतनु के भाई थे और मरु जो थे उन्होंने तपस्या की, उन दोनों जीवों के अंदर आकर के परमात्मा बैठेंगे और वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? भागवत में। प्रमाण देने के लिए चाहिए, बीतक में प्रसंग है उसका प्रमाण भागवत में। तो इस तरह से भागवत का महत्व है, इसलिए प्रसंग में क्या कहा, ए भागवत कागद तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। ये भागवत चिट्ठी है। अब मान लीजिए कि जैसे एक माता है कोई, ठीक है, आपका पति विदेश गया है, विदेश जाकर के चिट्ठी लिखता है आपके लिए, उसमें कुछ संकेत लिखा हुआ है। अब 2-4 साल के बाद में पति वापस आ गया, आप पति को पूछ ही नहीं रहे, देख के पलट के भी देख नहीं रहे, और चिट्ठी को आपने फ्रेम में सजा रखा है और बस सुबह शाम वो खोल करके चिट्ठी आप पढ़ती जा रही हैं और पति को तो आप पूछ भी नहीं रही हैं, तो आपको कोई क्या कहेगा? ज्ञानी कहेगा कि मूर्ख कहेगा? बताइए मत, पता सबको है। इसी तरह से भागवत जो है चिट्ठी है यहाँ पर लिखा गया है, और वाणी जो है वो राज्य का वांग्मय स्वरूप है। चिट्ठी भेजने वाले हैं राज्य, जब साक्षात आए हैं उसके बाद भी हम राज्य को तो पूछ नहीं रहे हैं और जो चिट्ठी भेजी है उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, तो हम क्या हुए फिर? हम समझदार हुए, ठीक है।
अब जब मैं ऐसा प्रश्न करूं तो लोग यहां पर तर्क देंगे, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, आएगा भी, कि देखिए अगर भागवत की महिमा नहीं होती तो भागवत सुनकर के तो देवचंद्र जी की जागृति हुई, ऐसा कहा जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। भागवत के जगह पर देवचंद्र जी जिस निष्ठा से सुन रहे थे ना, अगर वो रामायण भी सुनते तो भी उनको दर्शन होता। क्यों? क्योंकि दर्शन हुआ वो निष्ठा के कारण हुआ है। भागवत में परब्रह्म का कोई ऐसा ज्ञान थोड़ी है, अखंड का इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। दर्शन हुआ निष्ठा के कारण और परीक्षा हुई उसके बाद दर्शन हुआ। अगर सोचिए कि भागवत सुनने से ही दर्शन होना होता, भागवत लिखने वाले कौन है? व्यास जी और सुखदेव जी का नाम आता है भागवत के लेखकों में, उनको दर्शन हुआ नहीं हुआ? सोचिए लिखने वाले को नहीं हुआ, सुनने वाले को हो जाएगा, जबकि लिखने वाला बड़ा है ना, पहला। दूसरा कि देवचंद्र जी किससे भागवत सुन रहे थे? कांजी भट्ट से। उनको दर्शन हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इसमें कोई तर्क दे सकता है कि उनके अंदर तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं थी ना, और देवचंद्र जी के अंदर ब्रह्म सृष्टि थी, इस वजह से दर्शन हुआ। लेकिन गांगजी भाई भी साथ में सुन रहे थे, देवचंद्र जी के साथ में एक और ब्रह्म सृष्टि थी जो चर्चा सुन रही थी गांगजी भाई के रूप में, उनको दर्शन हुआ? वो भी तो वही भागवत सुन रहे हैं, उनको दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देवचंद्र जी के जैसी निष्ठा उनके अंदर अभी नहीं है। ठीक है, भागवत के प्रति की बात नहीं करो, परमात्मा के प्रति। ठीक है, तो इसलिए उनको भी दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब देवचंद्र जी को भागवत सुनने से दर्शन होता, अगर उसके बाद वो कितनी बार भागवत सुनने गए? नहीं। अच्छा, देवचंद्र जी ने अपने यहाँ पर, मतलब जब उन्होंने चर्चा करना शुरू किया, उसके बाद भागवत की चर्चा कितनी बार की? कहीं वर्णन आता है वितक में कि देवचंद्र जी भागवत की कथा करते थे? नहीं आता है। वो अखंड ब्रज की लीला का वर्णन करते थे, लेकिन वो तो भागवत में है ही नहीं। वो अखंड रास की लीला का वर्णन करते थे, परम धाम की लीला का वर्णन करते थे, वो भी भागवत में नहीं है। तो इसका मतलब देवचंद्र जी ने कभी भागवत की लीला का वर्णन, भागवत का वर्णन नहीं किया। अच्छा, भागवत सुनने से ही दर्शन होना होता, हरिदास जी की किसकी चर्चा करते थे? वो भी भागवत की चर्चा करते थे ना, तो उनको अपने ही शिष्य से तारतम्य ज्ञान लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुनिया में एक शायद पहला प्रसंग था, इससे पहले हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो बाद में बता देना मुझे, कि कोई गुरु अपने शिष्य से दीक्षित हो रहा है। हरिदास जी को देवचंद्र जी कह सकते थे ना, गुरुदेव आप सही हैं, भागवत सुनते रहिए, आपको मेरे पास आकर के तारतम्य लेने की क्या जरूरत है? नहीं थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि भागवत सुनने से दर्शन नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद श्रीजी के द्वारा जब जागने की लीला हुई, श्रीजी ने कितने लोगों को भागवत सुना करके जागृत किया? भीम भाई, श्याम भट्ट, गोविंद जी व्यास, ये सब सूरत के सुंदर साथ हैं। उनमें श्याम भट्ट और गोविंद जी व्यास भागवत के विद्वान थे, 40 प्रश्न थे उनके पास में लेकर के आए थे ना, वो तो भागवत के ही प्रश्न थे ना। अगर भागवत सुनने से जागृति होती तो उन 40 प्रश्नों का जवाब भी मिल जाता उनको। श्रीजी को उन्हें तारतम्य ज्ञान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्रीजी कहते कि भाई सही रास्ते पर हो, भागवत सुन रहे हो, मेरे सदगुरु ने भी भागवत सुन करके दर्शन प्राप्त किया था, आप भी यही करते रहो, दर्शन हो जाएगा। नहीं, उन्होंने तारतम्य ज्ञान दिया। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठता किसकी है? वाणी की। भागवत सिर्फ प्रमाण के रूप में है, साहिदी साक्षी के रूप में है। उन साक्षियों में जो रहस्य, उसको खोलने का काम वाणी करती है। इसीलिए जितने भी विद्वान निजानंद संप्रदाय के हैं, जो भागवत की चर्चा हर जगह पर किया करते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन आप जब भी भागवत की चर्चा करें तो उनमें जहाँ भी रहस्य है, जहाँ भी आंकड़े, वो तो पता ही है ना आपको, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति भागवत के कुछ प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता। जैसे एक आध प्रश्न मैं आपको बताऊँ, वैसे तो आगे भी आएंगे, कि महाप्रलय में तो 14 लोक के ब्रह्मांड का नाश होना लिखा है, तो वो महाप्रलय के बाद में आत्मा की अवस्था क्या होती है, परब्रह्म कहाँ रहता है, स्वर्ग वैकुंठ का नाश हो जाता है तो हमारी अवस्था क्या होती है, ऐसे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। अच्छा, भागवत में एक मंत्र आता है, श्लोक आता है भागवत के 10वें स्कंद में, कि दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम
रमाननाभम नवकुमकुम आरुणम वनम च तत्को मलगोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृश्याम मनोहरम। इस श्लोक में योग माया के विषय में थोड़ा सा वर्णन किया। इसके आगे ही एक श्लोक आता है कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनः चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। ये दो श्लोक हमेशा साथ में, जितने भागवतकार हैं ना, चाहे तारतम ज्ञान वाले भागवतकार हों चाहे दूसरे वाले भागवतकार हों, दोनों भागवतकार हमेशा जब भी रास की लीला का वर्णन करेंगे तो ये दो श्लोक गा करके बहुत व्याख्या के साथ में वर्णन करते हैं। अब इस श्लोक में ये बताया है कि भगवान जी ने उस रात्रि को योग माया का आश्रय लिया जो कि अखंड है। योग माया अखंड ऐसा कहते हैं, लेकिन जब भागवत का वह वर्णन करते हैं तो भागवत में तो फिर एक तो अखंड रात की बात कर रहे हैं कि रास रात अखंड है। अच्छा, जब रात अखंड है तो दिन हो सकता है? फिर रात कभी समाप्त होगी नहीं, तो अगला दिन कैसे हुआ? इसका उत्तर दुनिया का कोई भी भागवतकार तारतम ज्ञान के बिना नहीं दे सकता। फिर एक प्रसंग और आया है कि रास की लीला जहाँ पर हो रही थी उसका पतन हुआ, तो सारे भागवतकार कह देते हैं कि उसका प्रलय हो गया। लालदास जी को वो सवाल पूछ लिया था ना कि रास की लीला कहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसी वृंदावन में हो रही है। उन्होंने कहा फिर दिखती क्यों नहीं है? लालदास जी ने कहा दिव्य दृष्टि मिलेगी तब दिखेगी। ये दुनिया के लोग मानते हैं, सिर्फ लालदास जी की बात नहीं है। फिर उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न ऐसे वो होते हैं, विशेष रूप से 40 प्रश्न बताए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा हो कि अच्छा वो 40 प्रश्न कौन से होंगे, हमें मिलते तो हम भी भागवतकार से पूछ लेते, है ना। तो वो 40 प्रश्न एक छोटी सी पुस्तिका है, पुस्तकालय में मिल जाएगी, ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसका नाम है ज्ञान मंजूषा। तो उस ज्ञान मंजूषा में भागवत के 40 प्रश्न हैं, वेदांत के जो 15 प्रमुख प्रश्न हैं और वेद के 25 प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी दिया हुआ है, उत्तर भी दिया गया है तारतम ज्ञान के आधार पर। बिना तारतम ज्ञान के उसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकता है। एक और प्रसंग आता है भागवत के अंदर कि भगवान जी ने कहा, भागवत में ऐसा लिखा है, वो मैं शब्द वाइज कह रहा हूँ, कि भगवान जी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुनि है वो मुझे जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं और आप हो, मतलब लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि आप हो या मैं हूँ, मुझे खुद की आत्मा से भी प्रिय हैं। कोई सबसे ज़्यादा प्रेम स्वयं से करता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म मुनि है वो मुझे स्वयं की आत्मा से भी प्रिय हैं और उनकी चरण धूलि पाने के लिए मैं हमेशा उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। वो ब्रह्म मुनि कौन है? बिना तारतम ज्ञान के कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान, प्रश्न भी और समाधान भी उस ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है। तो भागवत से ही अगर जागनी होनी होती तो तारतम वाणी की भला क्या आवश्यकता थी, 18,758 चौपाई की क्या आवश्यकता थी? श्री जी ने कभी उसके बाद भागवत की चर्चा नहीं की। ये तो मार्केटिंग है कि समाज में भागवत सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब भागवत की कथा के नाम पर कोई भी व्यक्ति आ जाता है, लेकिन अगर कोई कहे कि ब्रह्मवाणी की चर्चा हो रही है तो उसको पता नहीं ब्रह्मवाणी कौन सी चिड़िया का नाम है और इसके पीछे दोषी कौन है जिन्होंने कभी ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के लिए जोर दिया ही नहीं। अगर जितनी मेहनत भागवत में करते हैं, बहुत सारे समाज में हमारे गुरुजन हैं जिनके नाम के पीछे श्री 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 108 1008 अनंत श्री विभूषित लगता है और ये लिखाते हैं कि ये मेरा ये 1000वां भागवत चर्चा है, मैं आज 2500वां भागवत कर रहा हूँ, मैं 5000 भागवत कर चुका हूँ, इतनी बार वो वाणी की चर्चा अगर कर चुके होते ना तो लाखों लोगों को भले ही वाणी के गहराई का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनके मन में ये होता कि अच्छा निजानंद संप्रदाय कोई ऐसा मार्ग है जिसमें वो वाणी की बात किया करते हैं और उसमें तो भागवत का भी रहस्य, भागवत का भी उसमें सार निचोड़ उसमें दिया हुआ है और जो उसमें नहीं है उससे भी ऊपर का ज्ञान है, इतना उनको पता चलता। फिर कम से कम वो लोग खोज करते, खोज करके वो वाणी तक पहुँचते ज़रूर। तो इसलिए जितने भी भागवतकार हैं उनसे मेरा यही आग्रह है विनम्र कि आप सब जब भी भागवत की चर्चा करें,
मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रोजी रोटी जिससे चल रही है उसको पूरी तरह से बंद कर दें, हो सके तो वाणी का प्रचार करें अधिक से अधिक, और जब भागवत की चर्चा कर भी रहे हैं अगर तो वहाँ पर भी आप वाणी की महिमा बताएं कि ये जो इसमें रहस्य है वो सिर्फ वाणी के द्वारा खोल सकता है। तो वाणी जो है आप सब पढ़ें, जो नए लोग आएँ आपसे जुड़ें तो आप उनको कहें कि आप वाणी पढ़ें, वाणी हमारी धरोहर है, वाणी इन सभी ग्रंथों के रहस्य को खोलने की चाबी, इस तरह से कहें। तो इस तरह से हमें ये पता चला आज के प्रसंग में कि केवल भागवत सुनने से श्री देवचंद्र जी की जागृति नहीं हुई है, तो हमें जोर देना चाहिए वाणी पर। हाँ, जिस निष्ठा के साथ में देवचंद्र जी ने भागवत सुनी, वो निष्ठा यदि वाणी सुनते हुए, सेवा करते हुए, चितवनी करते हुए हमारे अंदर है, तो हमें देवचंद्र जी से भी कम समय में दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि देवचंद्र जी को तो नया रास्ता बनाना पड़ा था ना। अब हमारे सामने तो पका पकाया भोजन है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये दृष्टांत दिया था कि जैसे माझी है, नाम सुना होगा ना आपने, माझी द माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने पहाड़ी को चीर करके अपनी पत्नी के लिए पहाड़ी को तोड़ तोड़ करके छेना हथौड़ा से एक रास्ता बनाया, जो कि प्रेम के प्रतीक के रूप में अब प्रसिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। अब सोचिए कि उस रास्ते को बनाना कठिन था कि उस पर चलना कठिन है, बनाना कठिन था ना। तो देवचंद्र जी ने उस माझी द माउंटेन मैन की तरह ये रास्ता हमें बना करके दिया है हमारे लिए। तो हमारे लिए आसान है, सिर्फ चलना है हमें। लेकिन हाँ, देवचंद्र जी में और हम में एक समानता होनी चाहिए, वो और वो समानता है निष्ठा, राज्य के प्रति निष्ठा, कि हमें बस पाना है अगर तो पाना है। अगर उतनी निष्ठा नहीं होगी तो हम 14 साल वाणी चर्चा सुने चाहे 140 साल सुने, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये प्रसंग, ये शिक्षा आज के प्रसंग से हमें मिली। अब हमें इतना पता चला कि तारतम के जो बीज वचन हैं वो देवचंद्र जी के हृदय धाम में आ चुके हैं। अब जब वो घर पहुँचे देवचंद्र जी, तो घर पहुँचने के बाद किस तरह से तारतम की पहली चौपाई अवतरित होती है, फिर कैसे श्री देवचंद्र जी अब राज्य की प्रेरणा से ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढने का काम वो शुरू करते हैं। देखिए, अब राज्य ने कह तो दिया कि ये तुम्हारा काम नहीं है, जिसको बुलाना होगा मैं बुला करके आपके पास भेज दूंगा। लेकिन अब देवचंद्र जी के अंदर 3 चीज़ें काम कर रही ना, एक है जीव उनका, एक श्यामा जी की आत्मा है और एक राज्य का आवेश है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि 2400 घंटे आवेश लीला नहीं होती। कई बार हम जज करने लग जाते हैं ना, कभी कभी हमने बीत तक पढ़ा होगा तो संशय हुआ होगा। कैसे संशय हुआ होगा, जैसे एक प्रसंग से दृष्टांत देता हूँ मैं। श्री जी जब हरिद्वार में थे तो हरिद्वार से उन्होंने 2 सुंदरसाथ को दिल्ली भेजा, तो 2 सुंदरसाथ को दिल्ली भेज करके कहा कि औरंगजेब तक संदेश पहुँचाना है। उसके बाद अगले दिन उनको प्रेरणा हुई कि नहीं, अभी ये जो संदेश देने का काम है वो समय उचित नहीं है, उनको वापस बुला लेते हैं। तो फिर श्री जी ने फिर किसी सुंदर साथ को भेजा, वापस बुलाया। आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे। तो जब हम पढ़ रहे होंगे या जब हमने पिछली बार कभी चर्चा सुनी होगी तो हमारे मन में संशय हुआ होगा कि राज्य गलती कैसे कर सकते हैं, कि एक बार तो भेज दिया और दोबारा वापस बुला रहे, क्या राज्य को पता नहीं है? तो इसका समाधान, इसका उत्तर यह है कि 2400 घंटे ब्रह्मलीला नहीं होती है। अगर ब्रह्मलीला 2400 घंटे होगी तो इंद्रावती जी अपना कर्तव्य कब पूरा करेंगी? श्यामा जी का भी तो कर्तव्य है ना कि मैं भूली तो तू जगाऊंगी, वो तो वादा उन्होंने भी किया है ना। तो हमेशा राज्य लीला नहीं करेंगे। तो अब श्यामा जी की जो आत्मा है उनमें और जो जिस जीव के ऊपर वो बैठी है उनको ये हो रहा है बार बार कि मुझे ब्रह्म सृष्टि को जगाना है, वो उत्साह है उनके अंदर। तो उस उत्साह के कारण वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जागनी हो, राज्य जब भेजेंगे तब भेजेंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। जो ज्ञान हमें मिला है तो वो हमें किसी को देना है। तो देवचंद्र जी अब किस तरह से जागने के लिए अपने तरफ से प्रयास करते हैं, कैसे गांगजी भाई मिलते हैं, कैसे पहली जागनी होती है, और फिर गांगजी भाई के घर में अब किस तरह से चर्चा होने लगती है, ब्रह्म सृष्टियों का आगमन होना शुरू होता है। और इसी क्रम में, ये तो पहला तन हुआ ना जागने के क्रम में, अब जो दूसरा स्वरूप है, क्योंकि 2 तनों में बैठ करके लीला करेंगे ऐसा कहा था, तो जो दूसरा तन है श्री मिहिर राज जी का, तो वो किस तरह से श्री देवचंद्र जी के पास आते हैं और कैसे उनकी जागृति होती है, इन सभी विषयों में हम सुनेंगे चर्चा कल।
अब समय पूरा होता है, सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे और कल फिर समय से आकर के आगे की चर्चा सुनेंगे। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ए बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सद्गुरु महाराज की, प्रणाम।